अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और जैसा कि आप लोग मेरी बोर्ड पर लिखावट देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज के इस वीडियो में 10th क्लास का अहिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, तो अगर आप लोग ऐसा अनुमान लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 10th क्लास के अहिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का टाइटल देखकर आप लोग को लग रहा होगा कि ये चैप्टर टफ है, समझ में नहीं आएगा, कुछ अच्छा इसमें खास नहीं बताया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से, उसके खोल से नहीं आंकना चाहिए कि वो किताब कैसा होगा। उसको पढ़कर तो देखिए एक बार। बिल्कुल उसी तरह किसी भी चैप्टर के टाइटल को देखकर, टाइटल का नाम देखकर ये आंकना नहीं चाहिए कि चैप्टर अच्छा नहीं होगा। एक बार तो पढ़कर देखिए आखिर उसमें क्या बातें बताई गई है, तब आप लोगों को ना समझ में आएगा कि आखिर ये चैप्टर कितना खास है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आप लोगों को जानना ज़रूरी भी है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम देखिए क्या है, हुंडरू का जलप्रपात। क्या सुने? जल बर्बाद नहीं ना सुने, मैं बोल रही हूँ जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, ठीक है, हुंडरू का झरना। हुंडरू के झरना के बारे में, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता के बारे में इस चैप्टर में बताई गई है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर कोई कहानी नहीं है, ना कि कोई कविता है, ये चैप्टर एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत को उर्दू में सफ़रनामा बोला जाता है। तो अब बात आती है कि यात्रा वृतांत किसे कहते हैं, तो जरा इसको समझ लीजिए। देखिए अभी के ज़माने में होता ये है कि हम लोग कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए, आप बोल सकते हैं भ्रमण करने के लिए। तो हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो जिस भी जगह पर जाते हैं तो हम लोग के साथ मोबाइल होता है। हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के फ़ोटोज़ खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक तरह से निशानी के तौर पर, यादगार के तौर पर कि मैं यहाँ पर गई थी तो ये फ़ोटो ली, ठीक है। तो पहले के ज़माने में तो मोबाइल नहीं था, तो पहले के ज़माने में जब लेखक थे, लेखक लोग जो लिखा करते हैं कहानी को या फिर निबंध को, आप बोल सकते हैं कविता को, तो वो क्या करते थे, जब घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए जाते थे ना, तो अपने साथ कलम और एक डायरी लेकर जाते थे, ताकि उनको जो रास्ते में सुंदर दृश्य दिखाई दे और जहाँ पर वो जाए वहाँ के दृश्य और वहाँ की खूबसूरती को वो लिखकर बयान कर सके। तो उसे लिखे हुए को बोला जाता है यात्रा वृतांत। जब कोई लेखक जो है वो घूमने के लिए जाता है, यात्रा करने के लिए, तो यात्रा करने के दौरान उसको उसका मन मोह लेने वाली जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी दृश्य को वो लिख कर बयान कर देता है ना, उसी को बोला जाता है यात्रा वृतांत। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर के लेखक हैं, राइटर कामता प्रसाद सिंह, लास्ट में काम लगा है, तो कामता प्रसाद सिंह जो है ना, वो झारखंड घूमने के लिए गए थे। और झारखंड जब गए तो वहाँ छोटा नागपुर घूमे, और झारखंड का सबसे मतलब खूबसूरत इनका दृश्य लगा हुंडरू का जलप्रपात, यानी कि हुंडरू का झरना। और हुंडरू की झरना की विशेषताएँ जो है वो इस चैप्टर में लिख कर बयान कर दी है। तो इस चैप्टर को बोला जाने लगा यात्रा वृतांत। ये चैप्टर यात्रा वृतांत है, जिसको उर्दू में सफ़रनामा बोला जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलिए जरा हम लोग इस चैप्टर को डीपली समझते हैं, और हुंडरू के जलप्रपात के बारे में क्या विशेषताएं बताए हैं कामता प्रसाद सिंह, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो झारखंड के छोटा नागपुर गए कामता प्रसाद सिंह, तो छोटा नागपुर के दृश्य को बताए हैं, वहाँ की खूबसूरती को बयान किए हैं। वो बताए हैं कि छोटा नागपुर जो है वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग जिसको हम लोग मुस्लिम धर्म में बोलते हैं जन्नत, ठीक है, और हिंदू धर्म में बोला जाता है स्वर्ग, ठीक है। तो छोटा नागपुर को जो है ना कामता प्रसाद सिंह वो स्वर्ग का एक टुकड़ा बताए हैं, वहाँ की खूबसूरती बयान किए हैं। देखिए छोटा नागपुर का दृश्य बताए हैं कि वहाँ का जो ज़मीन है, ज़मीन में हरियाली और आकाश में नीलिमा और पग पग पहाड़ों को देखकर वहाँ का जो ज़मीन है वो भी उबड़ खाबड़ और ऊँची हो गई है। झाड़ी झुरमुटों पेड़ पौधों के साथ जो है जंगल अपनी जगह आबाद है, अपनी जगह स्थित है। ऐसा लग रहा है कि जंगल जो है वो जंगली जानवरों को शरण में रखा है, अपनी शरण में रखा है, ठीक है। और वहाँ के मतलब उस जंगल के जानवरों की आवाज़ से जंगल का हर एक एक कोना बोल रहा है। वहाँ की जो विचित्र विचित्र पक्षियाँ हैं, जिसको मतलब अलग अलग तरह की पक्षियाँ, वो उन पक्षियों से जो है ना पेड़, हर एक पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, हर एक पेड़ जो है वो भरा भरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। छोटा नागपुर की जो सड़कें हैं वो सांप की तरह भागी जा रही हैं, ठीक है, और उन सड़क पर कुछ मुसाफिर है जो पैदल भी चलते जा रहे हैं, और कुछ मुसाफिर जो है वो सवारी पर सवार होकर भी जा रहे हैं। सुंदर जलवायु, मनहरण वातावरण,
लोगों को मतलब एक तरह से वहाँ पर सुकून मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा जो है ना सिर्फ प्रकृति ही बना सकती है, कोई इंसान किसी भी मानव के बस की बात ये नहीं है कि इतना सुंदर दृश्य जो है इंसान बना सके, ठीक है। और वहाँ की जो हवाएं हैं धीरे धीरे ऐसे डोलती हुई जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है हवाएं अपने साथ जो है वो फूलों की सुरभि बिखेरती हुई जा रही हैं। वहाँ की जो नदियाँ हैं, कहाँ की बात हो रही है, छोटा नागपुर की अभी बात हो रही है। अभी हम लोग हुंडरू के झरना के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन अभी कामता प्रसाद सिंह शुरू में जो है ना वो छोटा नागपुर का भी दृश्य सारा चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ की जो नदी है वो ऐसे कलकल छलछल स्वर में बहती हुई जा रही है कि वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को दिल को सुकून और शांति मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो नदियाँ हैं वो उन सभी लोगों को अमृत बांटती हुई जा रही हैं। और छोटा नागपुर में एक कारखाना भी है जो कि कोयला और अभ्रक का है, जहाँ से कोयला और अभ्रक का व्यापार होता है। तरह तरह की लकड़ियाँ हैं, फूल फुंगियों पर नाचती हुई तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, फल भार से झुक रहे पेड़ भी हैं, यानी कि पेड़ पर इतना ज़्यादा फल है कि फल के भार की वजह से पेड़ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से पर्वत घाटियाँ और मन पर जादू कर देने वाली वहाँ की पर्वत, ये है छोटा नागपुर, जो कि कामता प्रसाद सिंह जो है छोटा नागपुर के दृश्य को बताए हैं। अब बात करते हैं हम लोग हुंडरू का झरना यानी कि हुंडरू के जलप्रपात की। देखिए सबसे पहले तो कामता प्रसाद सिंह जो है वो हुंडरू का मार्गदर्शन बताए हैं, यानी कि हुंडरू के झरना तक पहुंचने का रास्ता बताए हैं कामता प्रसाद सिंह। वो बोले हैं कि मैं जब भी रांची जाता हूँ ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कि हुंडरू का झरना देखने ना जाऊँ। मैं जब भी रांची जाता हूँ तो एक बार मैं ज़रूर जाता हूँ हुंडरू का झरना देखने के लिए। तो आप लोग भी कभी जाइए ना रांची तो हुंडरू का झरना जरूर देखने जाइएगा। देखिए हुंडरू से 14 मील दूर पर पुरुलिया वाली है, पुरुलिया वाली नाम का कोई जगह है, और पुरुलिया रोड से आप लोगों को 13 मील दूर जाना है और 13 मील दूरी पर आप लोगों को हुंडरू का झरना मिलेगा, ठीक है। यानी कि टोटल रांची से 27 मील दूर है हुंडरू का झरना, रांची से 27 मील दूर हुंडरू का झरना है और आप लोगों को हुंडरू का झरना दिखाई देगा। अब जो है बोल रहे हैं कामता प्रसाद सिंह कि देखिए जहाँ पर आप जाते हैं ना, जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं जिस जगह पर, वो जगह की खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब उसका रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो उसी तरह जो हुंडरू का झरना है ना उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका जो रास्ता है उतना ज़्यादा खूबसूरत है। जितना ज़्यादा हुंडरू का झरना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा उसका जाने वाला रास्ता खूबसूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले कामता प्रसाद सिंह हुंडरू का मार्गदर्शन बताए हैं, यानी कि जो जाने वाली रास्ता है उसका दर्शन करवाए हैं, दृश्य बताए हैं कि हुंडरू तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ता में पहाड़ मैदान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं सवार पर से उतर कर पैदल ही टहलते हुए जाऊँ, ठीक है। रास्ते में घना जंगल जिसे देखकर बाघ भी डर जाए, वहाँ की पथरीली जमीन, चहकती हुई चिड़िया और पत्थर की छाती को चीरकर बहती हुई नदियाँ, इन सभी दृश्य को देखकर जो है कामता प्रसाद सिंह जो है बहुत ज़्यादा उनको आनंद आता है, दिल को सुकून मिलता है उनको एक तरह से। अब वो पहुँच गए हुंडरू के झरना तक। हुंडरू के झरना तक पहुँचने का रास्ता के बारे में तो बता दिए, अब बात किए हैं वो हुंडरू का जलप्रपात यानी कि हुंडरू के झरना के बारे में। तो जब कामता प्रसाद सिंह हुंडरू के झरना तक पहुँच गए ना तो अब वहाँ का दृश्य बताया है कि वहाँ का जो पहाड़ है उस पर पानी की अजीब ही लीला है जिसका मुकाबला ना रामलीला कर सकता है और ना ही रासलीला। मतलब पानी का उछलना कूदना नाचना, उसका आवाज़ जो है ऐसा लग रहा है कि 10-5 हाथी जो है एक साथ चिंघाड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि 10-5 जो ट्रेन का इंजन है वो एक साथ आवाज़ कर रहा है, ठीक है। और उसकी आवाज़ मतलब ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि कई सारे जहाज जो है एक साथ चक्कर लगा रहे हैं, कई सारे शेष जो नाग होते हैं यानी कि सांप होते हैं एक साथ फुफकार रहे हैं, ऐसा वहाँ की पानी यानी कि जल का आवाज़ है, ठीक है। ये सारी खूबी बताए हैं और बताए हैं कि वहाँ जो पत्थर है, पत्थर के छाती को चीर कर जो नदियाँ बह रही है ना, वहाँ का नज़ारा ही खूबसूरत है। मतलब वहाँ पर पत्थर की एक तरह से दिखाया गया है, पत्थर का मात दिखाया गया है, पत्थर को मात दे रही है नदियाँ का बहाव। मतलब ऐसा नदी का बहाव है ना कि वो पत्थर को भी मात दे रही है, यानी कि पत्थर के छाती को भी चीर कर बह रही है, अपना रास्ता बना ली है। ये सारी चीज़ें ढेर सारी दृश्य के बारे में बताया है। अब वो बात कर रहे हैं हुंडरू के झरना की कि वो जो हुंडरू का झरना है वो 243 फुट ऊँचा है, 243 फुट ऊंचे से देख रहे हैं, 243 फुट ऊंचा से नीचे वो झरना गिर रहा है। और जब वो झरना नीचे गिर रहा है ना तो नीचे पत्थर से टकराकर फिर ऊपर 20 फुट उछल रहा है,
ठीक है, यानी कि 243 फुट ऊपर से जो झरना नीचे गिर रहा है, तो नीचे जब पत्थर पर गिर रहा है तो पत्थर से टकराकर फिर ऊपर उछल रहा है, तो 20 फुट ऊपर उछल रहा है और फिर नीचे गिर रहा है, इस तरह का दृश्य दिखाए हैं। और झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा जो नीचे धीरे धीरे पत्थर पर गिर रही है, यानी कि हुंडरू का जो झरना है उसके बगल में 1 इंच का मोटी एक जल की धारा यानी कि पानी की धारा गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जो महादेव जी हैं उनके ऊपर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। आप लोग देखते हैं ना, हिंदू धर्म में ऐसा होता है, भक्त लोग होते हैं जो कि शिवलिंग पर वो दूध डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये 1 इंच की मोटी जो पानी की धारा गिर रही है पत्थर पर, तो ऐसा लग रहा है कि कोई भक्त जो है वो महादेव जी के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, ठीक है। और उसके आगे घाटी है, यानी कि ये जो हुंडरू का झरना है उसके आगे घाटी है, और उन मतलब पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में जो नदी गुजर रही है, एक इधर पहाड़ है और एक इधर पहाड़ है, और बीच में से जो नदी गुजर रही है उसका दृश्य ही कुछ अलग है। ये सारी चीज़ें बताए हैं और उसके बाद से लिखे हैं कि झरना के एक ओर जंगल रांची में और एक ओर का जंगल हजारीबाग में है। ये जो हुंडरू का जलप्रपात का झरना है, उस झरने का जो एक ओर का जंगल है वो रांची में चला गया है और एक ओर का जंगल है वो हजारीबाग में चला गया है, और बीच में हुंडरू का झरना बह रहा है, ठीक है। और उस झरने की जितनी भी धाराएं हैं नीचे जब आकर गिरती हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जब मतलब बहाव के पूरे जोर और मतलब एक तरह से बहाव के साथ जब वो बहती है ना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर बीच में हाथी भी आ जाएगी ना तो उसको बहा कर रो लेकर चला जाएगा, इतना तेज धारा होता है। मतलब जब 243 फीट से जल नीचे गिरेगा तो उसका सोचिए धारा कितना तेज वो बहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो धारा यानी कि जो पानी गिर रही है, गिरने के बाद जब सारा धाराएँ एक जगह इकट्ठा होकर पानी एक जगह इकट्ठा होकर जब वो बह रही हैं, तो बीच में अगर हाथी भी आ जाए ना तो उसको भी बहा कर लेकर चली जाएंगी, इतना वो तेज धारा है हुंडरू का जब वो नीचे गिर रही हैं तो, ठीक है। और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से बंगला बनवाया गया है। देखिए वहाँ पर जो है ना छोटा नागपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक बंगला बनवाया गया है, ताकि जितने भी घूमने वाले लोग हैं, यात्रा करने वाले लोग हैं, यहाँ पर इस जगह पर हुंडरू का झरना देखने आए तो उनके लिए बंगला बनवाया गया है रहने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक चीज़ की कमी है, खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने पिलाने की। तो अगर इस तरह के वहाँ के लोग जो है थोड़ा अपना दिमाग लगाते और वहाँ पर अपना एक भंडारण खोल देते, मतलब कोई दुकान खोल देते खाना खिलाने वाली, तो उनका अच्छा खासा मतलब आमदनी होता, क्योंकि वहाँ पर खिलाने की पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई इंसान वहाँ पर खोल दे तो उसका अच्छा कमाई होगा। यहाँ पर दो तरह का पत्थर का जिक्र किया गया है, मतलब जहाँ पर हुंडरू का झरना है ना वहाँ पर दो तरह का पत्थर बताया गया है। एक वो पत्थर जो कि 243 फीट ऊँचाई पर है जहाँ से हुंडरू का झरना झरता है, और एक वो पत्थर जो सबसे नीचे है जिस पर हुंडरू का झरना यानी कि हुंडरू का पानी आकर गिरता है। ये दो तरह का पत्थर बताया गया है, ठीक है। और वो जो नीचे वाला पत्थर है, भले ही 243 फुट ऊंचाई से पानी उस पर गिरता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से ना ही हिलता है, ना ही डुलता है और ना ही खिसकता है, अपनी जगह पर स्थित है, ठीक है। देखिए प्रकृति का कितना अच्छा दृश्य है कि वो मतलब 243 फुट ऊंचाई से वो पानी गिरता है तो भी वो पत्थर ना हिलता डुलता है, उसी तरह स्थित है और उसका चमक उसी तरह बरकरार है, ठीक है। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब 243 फुट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है ना और टकरा कर पत्थर से, और फिर से जो उछलता है 20 फीट ऊंचाई पर, मतलब उसका ऐसा लगता है कि जो हिरण का बच्चा है वो छलांग लगा रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो शेर के दहाड़ की तरह निकलती है, ऐसा लगता है कि कोई शेर दहाड़ रहा है, ठीक है। और टकरा कर जब मतलब पानी का चक्कर और पत्थरों से टकरा कर जो पानी की फुहारे निकलता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब पत्थर को पीस कर चूर्ण बनाकर मतलब वो क्या बोला गया है, वो फुहारे निकल रहे हैं, जैसे कि वो रुई धुनने वाला धुनिया नहीं होता है, जब रुई को धुनता है तो उससे छोटे छोटे फुहारे निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब वो 243 फुट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और चक्कर लगाकर पत्थरों से टकरा कर फिर उछलता है तो उससे जो फुहारे निकलते हैं बिल्कुल उसी तरह मतलब फुहारे की तरह होते हैं, जिस तरह रुई मतलब धुनता है उस तरह, ठीक है। वाकई में दृश्य वहाँ का बहुत ज़्यादा निराला है। ये सारी चीज़ें मतलब हुंडरू के झरना की खूबसूरती को बताए हैं कामता प्रसाद सिंह, ठीक है। और उसके बाद से आगे देखिए, दानी दान करता है तो गुमान करता है, लेकिन युग युग से जो पहाड़ है वो पानी दान कर रहा है तो उसको अपने आप पर अभिमान नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझे,
जो दानी है वो कोई चीज़ दान करता है ना तो अपने आप पर गुमान करने लगता है, घमंड करने लगता है कि हाँ मैं दान कर दिया, बतलाने लगता है, जतलाने लगता है। लेकिन कई हज़ारों सालों से, कितने युग से जो है ये पहाड़ है वो पानी हम लोगों को दान कर रहा है, हम सभी लोगों को, तो उसको अपने आप पर अभिमान नहीं है। तो ये दान करने वाले क्यों अपने आप पर गुमान करते हैं? तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को दान कर देने के बाद अपने आप को जतलाना नहीं चाहिए, अपने आप पर गुमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो चीज़ दान करने का फ़ायदा ही क्या जब आप अपने आप को जतला दिए, अपने आप पर गुमान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी दान कीजिएगा तो अपने आप को जतलाइएगा मत कि मैं ये दान कर दिया, ठीक है? और आगे बढ़िए, उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है, रांची, धनबाद, सिंहभूम और उसके बाद से बालासोर जिला से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए उद्गम स्थान मतलब समझते हैं जहाँ से मतलब नदियाँ स्टार्ट होती हैं, तो उद्गम स्थान से 50 मील आगे जो है वो हुंडरू का झरना है। उद्गम स्थान से 50 मील दूर हुंडरू का झरना है और उसके बाद से ये जो झरना है रांची, धनबाद, सिंहभूम और उसके बाद से बालासोर जिले से होकर लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जितनी भी नदियाँ वो लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में ही ना गिरती हैं। तो ये हो गया। और एक रहस्य है जो कि कामता प्रसाद सिंह बताए हैं इस चैप्टर में कि जो हुंडरू का जहाँ पर झरना है, हुंडरू के झरने से 7 मील दूर लोगों का कहना है कि एक और झरना है जो कि हुंडरू के झरने से कई गुना बड़ा और कई मतलब गुना मतलब भयानक है। वहाँ पर कोई इंसान अभी तक नहीं गया है डर की वजह से, बहुत भयानक जंगल है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ पर रास्ता बनवाना चाहिए ताकि जितने भी घूमने वाले लोग हैं वो उस जगह पर भी जाए। हुंडरू के झरना से जो 7 मील दूर एक और झरना है, आप बोल सकते हैं भयानक, जहाँ पर कोई नहीं गया है, एक तरह से रहस्य है वो, वहाँ पर रास्ता बनवाना चाहिए ताकि जितने भी यात्रा करने वाले लोग हैं वहाँ पर भी वहाँ का जाकर दृश्य देखें और वहाँ के भी रहस्य को जान सके कि आखिर वहाँ का क्या दृश्य है और वहाँ की क्या सुंदरता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो ये था आप लोग का चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद से वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।